नमस्ते सभी दर्शकों, आप सभी को स्वागत है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है आप सभी को पता है, दैट इज 24WB SET। तो WB SET 24, इसका नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुआ है। ये रिलीज हुआ है WBCSEonline.in इस पर्टिकुलर साइट में। मैं इस पर्टिकुलर लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उधर से आप खुद से विजिट कर सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन है, इधर अप्लाई नाउ, इधर से अप्लाई होगा और एप्लीकेशन होगा, एंड डाउनलोड अगर टैप करते हैं तो इधर से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हूँ। अब देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला गया है। तो ये है 24 SET एडवर्टाइजमेंट। तो इधर क्या क्या है, पहले है इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है आज से। ये जो एप्लीकेशन पोर्टल ऑन रहेगा 15 सितंबर तक, वो भी 12 मिडनाइट। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये है 8 जनवरी 2023। के बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जनरल और EWS कैंडिडेट्स, जिन लोगों का मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों के लिए 55% मार्क्स जरूरी है विदाउट राउंडिंग ऑफ। एंड जो भी कैंडिडेट OBC, SC, ST, PWD और ट्रांसजेंडर है, उन लोगों के लिए 50% मार्क्स जरूरी है इन देयर मास्टर्स। जो कैंडिडेट्स अभी भी परसू कर रहे हैं MSc डिग्री, वो लोग भी ये सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट दे नीड टू बी इन देयर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। एंड उन लोगों के लिए वो रिजल्ट एडेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड सच कैंडिडेट्स कैन बी एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इफ दे क्वालिफाई द सेट एग्जामिनेशन। मतलब सेट एग्जामिनेशन अगर वो क्वालिफाई करते हैं तब उन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल जाएगा। बट इफ देयर मास्टर्स डिग्री कंटेन मिनिमम 55% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क्स फॉर अदर कैटेगरीज, एंड इफ द कैंडिडेट्स कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, फेलिंग विच दे शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड। मतलब 2 साल के अंदर उन लोगों को क्वालिफाई कर लेना चाहिए MSc डिग्री, पहली बात। एंड दूसरी बात, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है सिर्फ उसी परसेंटेज में ही उन लोगों को क्वालिफाई कर लेना चाहिए, अगर उससे कम होता है तो वो लोग डिस्क्वालिफाई माना जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर इन अदर वर्ड्स ट्रांसजेंडर वुड बी एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन फी एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द सेट एज आर अवेलेबल फॉर द SC, ST एंड PWD कैटेगरीज। फोर्थ पॉइंट में जो लिखा है, इधर जो कैंडिडेट्स PhD होल्डर्स है वो भी बिफोर 19 सितंबर 1991, वो लोग भी इस सेट के लिए और सेट अपीयर कर सकते हैं। एंड उन लोगों का रिलैक्सेशन होगा 5% इन एग्रीगेट मार्क्स। अगर जनरल कैटेगरी होते हैं तो उन लोगों का 55% से 50% हो जाएगा, एंड अदर कैटेगरीज में भी ऐसा सेम होगा। नेक्स्ट, देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर द सेट। तो इधर कोई अपर एज लिमिट एज सच नहीं है। वाइटल पॉइंट, दैट इज एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। एग्जामिनेशन फी फॉर जनरल 1200, OBC के लिए एंड EWS के लिए 600, एंड SC, ST, PWD एंड ट्रांसजेंडर के लिए 300 है। एंड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग। क्रेडिट कार्ड के लिए आपको GST भरना पड़ेगा, वो भी 1.20%। डेबिट कार्ड के लिए कोई GST एज सच नहीं है, एंड इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप लोगों को 10 रुपीज अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद स्कीम एंड डेट ऑफ टेस्ट, जो भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को 2 पेपर देना पड़ता है फॉर वेस्ट बंगाल सेट। फर्स्ट पेपर जो जनरल एप्टीट्यूड टाइप का होता है, एंड सेकेंड पेपर जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो पेपर 1 इधर मार्क्स होगा 100 एंड इधर 50 क्वेश्चन मिलेगा ईच विथ 2 मार्क्स, एंड इसका जो टाइमिंग होता है ऑलमोस्ट 10:30 to 11:30। एंड सेकेंड पेपर का जो मार्क्स होता है टोटल 100 क्वेश्चंस मिलता है विद ईच 2 मार्क्स, एंड इसका जो टाइमिंग होता है 12 PM to 2 PM। एंड पेपर 1 में क्या क्या मिलता है, जनरल नेचर इंटेंडेड टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टू द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड एंड जनरल एप्टीट्यूड टाइप का कुछ क्वेश्चंस मिलता है। पेपर 2 में जो मिलता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, एंड दोनों ही पेपर में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, एंड इधर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सेट का जो एडमिट कार्ड, ये किधर से मिलेगा, पहली बात ये WBCSEonline.in यही पर्टिकुलर वेबसाइट से मिलेगा, एंड ऑलमोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट द एडमिट कार्ड इन 3rd week ऑफ द December 2022। ये जो एप्लीकेशन है इसका क्या क्या नेसेसिटी है, पहला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा एंड इसका साइज 4 to 40 KB होना चाहिए एंड इसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो सिग्नेचर है वो भी जेपीजी फॉर्मेट में मिलेगा एंड इसका भी साइज 4 KB to 30 KB होगा एंड इसका भी डायमेंशन 3.5 × 1.5 होना चाहिए। एंड पेमेंट जैसे मैं पहले कही हूँ दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। ड्यूरिंग एग्जाम कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी जो भी मिलेगा, जो भी है, एक ओरिजिनल कॉपी आपको आपके साथ लेना पड़ता है एंड द पेमेंट अदर देन ऑनलाइन पेमेंट विल बी रिजेक्टेड। तो यही इधर लिखा है। अब इधर सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ द टेस्ट, हम अभी लाइफ साइंस सिलेबस के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो लाइफ साइंस जो सब्जेक्ट है उसके लिए सब्जेक्ट कोड 14 होगा। इधर सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है तो आप खुद से ये देख लीजिएगा। इसके बाद टाइम शेड्यूल फॉर द सेट, पेपर वन का स्टार्टिंग टाइम है 10:30 एंड 10:30 से आगे आपको हॉल में एंटर करना पड़ेगा। ये एग्जाम 11:30 तक होता है। सेकेंड जो पेपर है वो 12 PM से स्टार्ट होगा एंड 2 PM तक चलेगा, बीच में कुछ आधा घंटा मिलता है। तो ये गया अबाउट द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। अभी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से मिलेगा। तो जो लोग भी डब्ल्यू बी सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो लोग ये पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके आपके इनसे क्वेश्चन पेपर अवेल कर सकते हो। जैसे कि इधर मैं अगर 2022 टैप करती हूँ तो इधर सभी सब्जेक्ट्स भी मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग पेपर्स, पेपर वन, पेपर टू, जनरल पेपर सभी के लिए है। एक सीरीज डाउनलोड कीजिए और वाई सीरीज वट एवर ऑन योर नीड एंड इधर आंसर की भी मिलता है। तो हमारा है लाइफ साइंस दैट इज ऑन 14th सब्जेक्ट कोड, तो इधर से आप अगर डाउनलोड करते हो तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम 2020 को टैप करते हैं तो इधर से फिर से ये 14th नंबर में लाइफ साइंस मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्वेश्चन पेपर एज वेल एज आंसर पेपर मिल जाएगा। ऐसे करके 2015 तक इधर है। तो ऐसे करके आपके इनसे पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर शीट। अब देख लेते हैं सेट का जो सिलेबस है वो कहाँ से मिलेगा। तो इधर ही आप देख सकते हो, इधर सेट सिलेबस एक बटन है, तो इधर अगर टैप करते हैं तो इधर सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स ओपन हो जाता है। जिधर ये है लाइफ साइंस, अगर इसको हम डाउनलोड ऐसे करें तो ये कुछ PDF सा ऑन हो जाता है एंड इधर से डाउनलोड करते हुए आपको मिल जाएगा लाइफ साइंस सिलेबस। तो ये गया अबाउट द डब्ल्यू बी सेट, ये कुछ ब्रीफ डिस्कशन था। अगर वेस्ट बंगाल सेट के लिए आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो भी बना सकती हूँ। एंड एक्सेप्ट दैट इफ यू वॉन्ट एनी CSR पर्टिकुलर एग्जामिनेशन टिप्स और हेल्प स्पेशली फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प फॉर श्योर। सो थैंक यू।